रात्रि शिफ्ट के सभी टू व्हीलर और फोर व्हीलर पीआरवी कर्मियों के साथ एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीआरवी के सभी कर्मचारियों के वाहन उपकरण, कार्य डायरी, इवेंट रजिस्टर की अद्यतन स्थिति तथा समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में एसपी ट्रैफिक द्वारा पीआरवी कर्मियों की समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण के प्रयास किए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, अभी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी, हेडक्वार्टर में डाल हंड्रेड में मीट हुई थी, तो इस बात को एसआईएनटी इंस्पेक्टर लोग उठाए थे होमगार्ड के दो दिन एक दिन छुट्टी के लिए, लेकिन डीजी साहब सर ने जो है साफ मना कर दिया कि ये डेली बेसिस पर है, जैसा होमगार्ड का उनके कमांडेंट उनका और लोगों का सिस्टम चलता है उसी तरह इन लोगों का भी सिस्टम चलेगा। दिखा देंगे अगर आप छुट्टी पे होंगे तो उन्होंने बताया था विशेष परिस्थितियों, कोई मरनी शादी ब्याह है तो एक दो दिन के लिए परमिट किया जा सकता है, लेकिन वो एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे परमिट किया जाएगा लेकिन एब्सेंट रहेगा, हम आपको परमिट कर देंगे। देखिए दो प्रकार से आप गैर हाजिर होते हैं, एक तो बिना बताए गैर हाजिर होगा, एक आपने सूचित कर दिया साहब हम कल हमारे बेटे का बीमार है हम उसको दिखाने जा रहे हैं, आप गैर हाजिर हो तो वो अनुशासनहीनता में नहीं माना जाएगा, जो बिना बताए गैर हाजिर होंगे वो अनुशासनहीनता में माना जाएगा। तो भाई एक आदमी अनुशासनहीन है तो हो सकता है हम इसके खिलाफ लिख के भेज देंगे, हम इनको हटाते ही हटाते हैं, हम नहीं रखेंगे इनको, बता रहे जिम्मेदार आदमी है, कल हम उसकी तैयारी तो कर सके, कोई दूसरा आदमी हम उसे रख के हम ड्यूटी तो ले सके, तो ले सके, पता चले बिना बताया गया जो वहाँ पे डायरेक्टर को ड्राइवर भी नहीं पहुंचा, वो दिन डायरेक्टर हमारी बिना मतलब में खड़ी बाकी लोगों से आपको 150 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, उसका मैं आपको बता रहा हूँ 150 रुपए ऐसा दिया जा रहा है जो आपका पीरियड में ज्यादा लगता है उसके लिए वो माना जा रहा है ज्यादा हो सकते हैं, अब 8-8 घंटे बाद भी आपको अच्छा दिया जा रहा है, आप एक दिन पहले अभी दे दिया जा रहा है, पैसा ना नहीं पैसा तो कटेगा तो पैसा परमिशन से का फायदा नहीं, आप अनुशासन नहीं रहेंगे बस, आप अनुशासित बन रहे हैं वो जस्टिफिकेशन ही नहीं है, और बताइए सब बताइए वो जस्टिफिकेशन ही नहीं है, और बताइए ड्राइवर को ट्रांसफर करने जा रहा हूँ तो जो भी है अगर आपको अपनी इच्छा के हिसाब से चाहिए सभी लोग एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं देखूंगा उपलब्धता देखूंगा, एप्लीकेशन मैं सभी से ले लूंगा, उपलब्धता के आधार पे मैं कर दूंगा, अगर उपलब्ध नहीं होगा तो नहीं करूंगा, उपलब्ध होगा आपकी बात तो मैं कर दूंगा, आप सभी को इसलिए मैंने ओपनली बता दिया कि कोई शक संदेश सुबह ना रहे, जो भी ड्राइवर्स हैं 900 के थ्री व्हीलर्स वाले या फोर व्हीलर्स वाले वो अपना दो दिन के अंदर अपना दरखास्त दे दें, फिर मैं देखता हूँ कौन सा कहाँ पे सेट हो सकता है, जो जहाँ सेट हो जाएगा वहाँ कर दूंगा, नहीं सेट होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। UP 100 के समस्त चालक और पायलट्स कर्मचारीगण आज इनकी समस्याओं से अवगत हो कि क्या क्या इनको समस्याएं आ रही, विभाग की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और वाहनों की मरम्मत, ड्यूटी के प्रति सतर्कता, इन सब विषय में जानकारी के लिए चर्चा की गई। कुछ खास समस्याएं आई उभर के? नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं आई, दो चार जगहों पर रहने की समस्याएं हैं तो उनको संबंधित थानाध्यक्षों से पत्राचार करके बातचीत की जाए। छुट्टी को लेकर कोई बात नहीं? छुट्टी को इनका कहना है साहब वो 3 दिन की छुट्टी है, तो इनका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि होमगार्ड्स के लिए ये दैनिक आधार पे है, तो दैनिक आधार का कोई अवकाश का कोई वो नहीं, ये अपना जिस दिन छुट्टी लेना चाहे उस दिन हम लोग सूचित करके जा सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है।